इस नेता की जो भागीदारी है, साझेदारी और मददगारी है हर कुकर्म और पाप में, चाहे वो हत्या हो तब नेता, बलात्कार हो तब नेता, यौन शोषण हो तब नेता, पदाधिकारी और नेता उसके खिलाफ आम लोगों का गुस्सा है। हमने सबसे हाथ जोड़ा कि आप दो घंटा हमको इस कमबख्त नेताओं के खिलाफ, ये जल्लाद और नरभक्षी के खिलाफ आप सपोर्ट कीजिए। तालिबानी हुकूमत से भी बड़ी ज्यादा स्थिति बुरी है बिहार की। और सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कारण है कि जात की बात आता है तो कुछ जात के लोग आ जाते हैं, आम लोगों की बात आता है तो नहीं आते हैं। इसके पहले एक बंद हुआ था जिसमें काफी जात की उपलब्ध था, आज क्यों नहीं? जब पूरे बिहार इस यहीं पर डीपीएम गिरफ्तार हुआ फिर समाज में असर क्यों नहीं? लगातार 12 बच्चियों के साथ यहां बलात्कार हुआ है, क्या करना चाहते हैं? इसलिए हम पूरी बिहार नहीं, सिर्फ यहां हाजीपुर, इसीलिए आज हाजीपुर में हम, और जो धमकी दिया है ना कि आइएगा तो गोली से भुंजली भुंजा जाएगा जंदहा में, हम आ रहे हैं। कभी धमकी दिया जाता है पप्पू यादव को हाजीपुर मुजफ्फरपुर से, कभी धमकी दिया गया कि 10 करोड़ में पप्पू यादव बिकेगा नहीं, कोई सिस्टम से डरता नहीं है, इसको मरवा दो। तो ये जाने सरकार, मैं रात में ही एसपी को मैसेज भेज दिया था कि इस मैसेज से आया है कि गोली चला देंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है इस बिहार को बचाना। आपको क्या लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है बेटियों को बचाना और नेता और अपराधियों के खिलाफ लोगों के भीतर गुस्से को सड़क पर लाना, ताकि ये नेता का जो रावण का लंका है ना, ये राख कर दे ये पल। क्या ये आवाज दबाई जा रही है क्या जो खिलाफ पब्लिक की आवाज? लाठी गोली से तो दबाई गई, अन्यथा एक निर्भया दामनी का जात था तो पूरा देश उबल गया। कभी आप पद्मावत पर देश उबाल लेते हैं, भीम पर, श्रीराम पर, परशुराम पर, बेटियों पर क्यों? अरे आप लोग हटिए, एक आम आदमी को मरवा दिया जाता है, प्रमुख को मरवा दिया गया, और घटना घटी अभी एक पंचायत समिति का संजय को मरवा दिया गया, लगातार आरटीआई को मरवा दिया जाता है, फिर उस पर क्यों उबाल नहीं होता है? जो आरटीआई मांगता है उसको यही नेता मरवा देता है। आज अंधा में यही नेता पदाधिकारी के गठजोड़ से मारा गया एक निर्दोष आदमी, फिर क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या मांग आपकी, क्या है मांग बताइए? सीधा है, अविलंब गिरफ्तारी, जिसका एफआईआर हुआ है, एसपीडी ट्रायल, डीपीएम पर अविलंब एसपीडी ट्रायल, और बिहार के सभी डीपीएम को गिरफ्तार करो, और जंदहा के प्रमुख को अविलंब न्याय मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और जो बलात्कारियों का और अपराधियों का जो ये सेंटर बनता जा रहा है हाजीपुर, इससे हाजीपुर को